डिस्कस करने वाले हैं कव कव क्या होता है और उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और एक क्वेश्चन जो कि मोस्ट पॉपुलर है कि क्या कव को जो स्ट्रेट लाइन होती है क्या हम उसे कव बोल सकते हैं ठीक है तो उसे जानने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कव होता क्या है ठीक है वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं ठीक है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दो डेफिनेशंस हैं ठीक है जिसके बेसिस पे हम कर्व को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं समझ सकते हैं सिर्फ हम उसे देखेंगे ठीक है तो दे आर आर लॉट ऑफ डेफिनेशन फॉर कव बट वी विल फोकस ऑन ओनली टू मेन ऑफ अवर फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ओके तो पहली डेफिनेशन क्या कहती है वेन सेट ऑफ पॉइंट इन फाइनाइट्स और फैनाइट्स आर जॉइन कॉन्टीन्यूस देन वॉट वी गेट इज कॉल्ड कव ठीक है तो हमें पता है जितने भी जियोमेट्रिकल फिगर्स होते हैं यहाँ तक कि लाइन भी वो सभी नंबर्स ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बने होते हैं हाँ तो वो पॉइंट्स जब एक साथ एक एरे के फॉर्म में एरे मतलब क्या होता है एक कॉन्टीन्यूस मैनर में एक दूसरे से जॉइन रहते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं कर्व बोलते हैं तो ऐसे तो जियोमेट्रिकल फिगर्स में तो सर लाइन भी एक पॉइंट्स नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर कॉन्टीन्यूअस मैनर में मिलकर बनता है ठीक है तो यहाँ पर ही हमारा ये कहीं ना कहीं पॉइंट क्लियर हो रहा है कि जब कव भी नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बन रहा है हाँ ठीक है कोई भी आ, फिगर है जो नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बन रहा है तो कव उसे बोला जा रहा है तो नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर तो लाइन भी बनती है तो इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक लाइन भी क्या कह सकते हो कर्व है ठीक है क्योंकि वो भी नंबर ऑफ पॉइंट से ही मिलकर बन रहा है ठीक है दूसरी डेफिनेशन क्या करती है वेन वी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ठीक है तो दूसरी डेफिनेशन क्या कह रही है वी स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट फॉर ड्रॉइंग अ जोमेट्रिकल फिगर एंड एंड एट सेम अदर पॉइंट विथाउट एनी गैप ओके तो गैप नहीं होना चाहिए गैप ब्रेक नहीं होना चाहिए सभी पॉइंट एक दूसरे से कंटिन्यूस मैनर में होने चाहिए सो वॉट वी गेट इज कॉल्ड कर्व ठीक है तो यहाँ पर भी वही चीजें बता रही है कि हम अपने कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बना रहे हैं मान लो एक पॉइंट से स्टार्ट किया आपने ठीक है अब ये पॉइंट से आप सभी पॉइंट्स को जोड़ते हुए कई सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए एक कुछ बनाओगे ठीक है तो ये जो है एक तो लाइन बन गई और इसमें लाइन में भी देखो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अगर कर्व की बात करें तो कर्व में भी ऐसे ही थोड़ा सा बेंड कर दोगे तो ये कव बन जाएगा और इसमें भी नंबर ऑफ पॉइंट्स स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक सभी नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉन्टिन्यूस मैनर में एडेड है तो इसको हम कव बोलते हैं तो एक मेन डेफिनेशन जो मेन क्वेश्चन होता है वन क्वेश्चन कम इन माइंड दैट पर डेफिनेशन जो कि हमने अपनी डेफिनेशन पढ़ा उससे क्या हम बोल सकते हैं कि लाइन इज ऑल्सो अ कव तो यस मैथमेटिकली अ लाइन इज ऑल्सो अ कव क्योंकि कव भी नंबर ऑफ पॉइंट्स से एक कॉन्टीन्यूअस मैनर में नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिलाकर बनता है और लाइन भी एक कॉन्टीन्यूस मैनर में ठीक है नंबर ऑफ पॉइंट्स को मिलाकर बनता है ठीक है तो सर डि डिफ्रेंसीट कैसे करेंगे कव और लाइन को तो उसके लिए हम आगे देखते हैं ठीक है तो इफ़ लाइन इज अ कव देन ऑल दी ज्योमेट्रिकल फिगर जनरेटेड बाई लाइन इज ऑल्सो अ कव ठीक है तो ये भी हमारे दिमाग में माइंड आएगा अगर लाइन को हम कर्व बोल रहे हैं तो जो भी जियोमेट्रिकल फिगर बनते हैं की हेल्प से वो सब भी कर्व तो ये सब भी हमारा कर्व होना चाहिए ठीक है तो हम कर्व को डिफ्रेंसिएट कैसे करेंगे अगर ये भी सब कर्व होंगे तो उसके लिए हमें ये डेफिनेशन देखनी पड़ेगी इन मैथमेटिक्स कर्व इज जनरली

Of a line, in that may ऑफ अ लाइन इन दैट smoothness. ठीक है तो ये एक सर्कल जो है जो सर्कल फॉर्म कर रहे हैं वो कर्व कहलाता है बट यहाँ पर ये कर्व क्यों नहीं कहला रहा है? बिकॉज ऑफ दैट गैप ठीक है तो इस गैप की वजह से दिस इज नॉट अ कर्व ठीक है तो आई थिंक आपका कर्व का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्लियर हो गया होगा कि कर्व होता क्या है कर्व को लाइन बोलते हैं तो कैसे डिफ्रेंस